सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इस्पतान यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास सुना दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अभी किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी फाइल का साइज कम करना हो तो किस तरह से आप कर सकते हो। पीडीएफ फाइल हो या जेपीजी फाइल हो, पीएनजी फाइल हो, किसी भी तरीके आपकी फाइल जो है आप अच्छे से यहाँ से उसकी साइज कॉम्प्रेस कर सकते हो। ओके, तो आज हम पीडीएफ की भी देखेंगे और जो है उसी के साथ साथ आप जो जेपीजी पीएनजी इमेज इनके साइज की तरह से कम कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू, ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, आपको यहाँ पर जाना और यहाँ पर डाल देना कॉम्प्रेस जेपीजी। ओके, कॉम्प्रेस जेपीजी डालो, पहली वाली साइट आएगी, यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपको चार चीज़ें का कॉम्प्रेस कर मिलेगा। सबसे पहले जेपीजी फाइल या फिर पीएनजी फाइल, उसके बाद जेएफ फाइल या फिर पीडीएफ को भी आप जो यहाँ से उनकी फाइल साइज कम कर सकते हैं। ओके, चारों की वेबसाइट यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, हमारे आपको दिखा देते हो कुछ इमेजेस आपको कर दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ओके, फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कोई भी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये वाली इमेज आप देख सकते हो। ओके, इसे मैं ओपन कर दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ये एक इमेज है, इसकी साइज़ आप देख सकते हो कितनी, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ कर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हो 402 की भी है। ओके, इसे मैं जो डेस्कटॉप पर ले लेता हूँ तो आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया, आप देख सकते हो ये वाली। ओके, इसका नाम भी आप देख सकते हो, मॉकअप टू। ओके, अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पर इसे लाकर ड्रैग करते हैं, इसकी कम करते हैं। सिंपल से यहाँ से उठाता हूँ। ओके, और यहाँ पर सिंपल सा ड्रैग ऑन ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, आप देख पाओगे 56% ये जो है कम हो चुकी है। ओके, 402 थी, अब देखेंगे इसे डाउनलोड कर आपको दिखा देता हूँ उसकी फाइल चेक करके। ओके, यही फाइल है, आप देख सकते हो, ओपन कर आपको दिखा देता हूँ ये वाली फाइल। ओके, और इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हो तो आप देख पाओगे 177 की भी हो चुका है। ओके, आदि इसकी जो भी आपकी फाइल होगी वो कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको पीडीएफ कर देंगे, जो पीडीएफ इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। ओके, और इसे जो है डेस्कटॉप पे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये पीडीएफ को। ओके, आप देख सकते हो ये वाली पीडीएफ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर इसकी साइज़ देख लेते हैं, 971 की भी है। ओके, अब मैं इसे जाता हूँ यहाँ पर पीडीएफ, अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक कर देना है सबसे पहले। ओके, मैंने पीडीएफ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी पीडीएफ और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने डाल लिया, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद देख सकते हो ये 66% ये जो है यहाँ पर कॉम्प्रेस हो चुकी है। उसे मैं डाउनलोड कर दिखा देता हूँ फिर से इसकी जो है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितने इसके फाइल साइज है। ओके, यहाँ पर मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ तो आप देख पाओगे 333 की भी जो फाइल हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से आप जो है हर फाइल या फिर जो भी इमेज होगी, पीएनजी, जेपीजी इमेज, ओके, तो आप आसानी से जो जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ फाइल आपकी वेबसाइट पे डालने के लिए आप जो है आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो भी होगी उससे जो है लोड होने में, जो भी आपकी वेबसाइट जैसी ओपन होगी तो वो जल्दी लोड होगी, उसके अंदर जो है उसका ओपनिंग का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसका लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है आपकी वेबसाइट में रैंकिंग के लिए, उसी के साथ साथ आपके पोस्ट रैंक करने के लिए। ओके, तो इसका यूज़ आपने ज़रूर करना है आपके ब्लॉग की इमेज में डालने के लिए। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे किस तरह से आपको इमेज जो है कॉम्प्रेस करनी है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।